नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस नए वीडियो में हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नए कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी को लेकर। और यहाँ पर इस कैंपस में जो कंपनी आ रही है उसका नाम है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी अर्जेंट रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है। और यहाँ पर जो कैंपस लगने वाला है वो यूपी में लगने वाला है, यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, और ये एक ओपन कैंपस है। तो अगर आप ITI कैंडिडेट हो और जॉब में इंटरेस्ट रखते हो और यूपी से बिलोंग करते हो तो ये कैंपस आपके लिए है। जैसे कि ये एक अर्जेंट कैंपस है, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, आप फटाक से वीडियो देख लीजिए क्योंकि इसके अगले दिन ही इसका कैंपस है। तो चलिए ये वीडियो के बारे में हम डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम कैंपस की वेन्यू की बात करते हैं। तो ये कैंपस होने वाला है गवर्नमेंट ITI मथुरा। इसका एड्रेस है नियर पागल बाबा मंदिर, वृंदावन, मथुरा, यूपी। और यहाँ पर इसमें यूपी के सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने ITI कर रखा है। तो अगर हम ITI की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आपने अपनी ITI पास कर रखी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, MCVT या SCVT से, अगर बात करें ITI टेट्स की तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और ICTSM, इन सभी टेट्स के कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ITI कर रखी है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 9,977 रुपये, आपकी बेसिक सैलरी होगी, और आपको जो इन हैंड मिलेगा वो होगा 9,210 रुपये। साथ में आपको दिवाली बोनस, और आपको नाइट में अगर आप वर्क करते हो तो उसका अलग से अलाउंस, उसके बाद आपको 900 रुपये का अटेंडेंस अवार्ड भी मिलेगा। तो ये कंपनी है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बिग ब्रांड फेमस कंपनी है जिसका प्लांट नोएडा में है। और यहाँ पर अगर बात करें इसके कैंपस की, तो ये कैंपस के लिए आ रही है 29 फरवरी 2020 को ये कैंपस के लिए आ रही है। तो अगर आप ITI कैंडिडेट हैं तो अगर आपने इन सभी डेट से ITI कर रखी है तो प्लीज़ इस कैंपस में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस कंपनी में अगर आप जाते हैं उसे ज्वाइन करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।